क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12, है ना। तो उसमें है बेटा व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक। तो पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, है ना। बैंक आधुनिक मुद्रा और व्यवसाय का हृदय और केंद्र बिंदु है। मतलब जो बैंक है आज के युग में, बैंक मतलब बैंक की जो अपन को क्या मिलता है, बैंक में अपन जमा भी करते हैं और अपन को उससे सुविधाएं भी प्राप्त है। तो बैंक के अपन ने कुछ परिभाषाएं देखी थी, बैंक का अर्थ देखा था, बैंक के प्रकार देखे थे। तो अपने दो प्रकार थे, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। फिर उसके बाद अपन ने देखा था बेटा व्यापारिक बैंक के कार्य। तो अपन ने व्यापारिक बैंक के दो कार्य पढ़ भी लिए थे। एक था जमा अथवा विशेष प्राप्त, निश्चय प्राप्त। दूसरा था बेटा ऋण अथवा उधार देना। तो ये दोनों कार्य बैंक के, व्यापारिक बैंक के कार्य थे। आज अपन पढ़ेंगे बेटा तीसरा कार्य पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत है अधिकर्ता अथवा प्रतिनिधि संबंधी कार्य करना। मतलब जो व्यापारिक बैंक का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है अधिकर्ता अथवा प्रतिनिधि संबंधी कार्य। तो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की क्या देता है, सेवा प्रदान करता है। मतलब जो व्यापारिक बैंक है अपने ग्राहकों को, जो उनके ग्राहक है उनको क्या करता है, कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। और उन्हें कैसी सेवाएं देता है, वह उनको निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। कुछ सेवाओं के बदले में निश्चित शुल्क भी प्राप्त किए जाते हैं। जो मतलब जो सेवाएं होती हैं उनके बदले में निश्चित मतलब शुल्क, मतलब उनको कुछ सेवाओं के बदले में अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ क्या देने पड़ते हैं, शुल्क भी देने होते हैं। तो बैंक द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि मतलब ये जो अपना अभिकर्ता वाला, अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि के मतलब जो निम्नलिखित सेवाएं देता है, सबसे पहले वो है चेक बिल आदि का भुगतान संग्रह। तो मतलब जो बैंक व्यापारिक बैंक है, जो अपन को चेकबुक भी देता है, चेक बिल देता है और भुगतान और संग्रहण करने का मतलब अपन को निःशुल्क मतलब ये सब सेवाएं क्या करता है, प्रदान। बैंक अपने ग्राहकों को जमा कराए चेक बिल, ड्राफ्ट, हुंडियां और विनिमय साध अभिलेख का भुगतान कर उनकी रकम क्या करता है, जो उनकी रकम होती है उनको कार्य में जमा करता है, खाते में जमा करते हैं। तो ये इसका पहली एक सेवा हो गई। दूसरा है अन्य नियमित भुगतान करना और संग्रहण करना। मतलब जो व्यापारिक बैंक का दूसरा मुख्य कारण है उसमें इसके अंतर्गत आएगा बेटा चेक बिल आदि, मतलब नियमित भुगतान करना, विशेष सुविधा प्रदान करना, अंश प्रतिभूति संदर्भ ट्रस्टी और वित्तीय सलाहकार, ये सब आ गए बेटा आपके अभिकर्ता प्रतिनिधि संबंधी कार्य के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद है बेटा ये विविध कार्य करना। व्यापारिक बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्य व अन्य कार्य भी किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है संपत्ति की सुरक्षा, मतलब व्यापारिक बैंक संपत्ति की सुरक्षा मतलब उसका एक अन्य कार्य के अंतर्गत आता है। फिर यात्री चेक, साख पत्रों की सुविधा, विनिमय व्यवस्था, उपभोग साख और आंकड़ों का संग्रह। तो ये विविध कार्य, इसका मुख्य तीसरा कार्य, चौथा कार्य है बेटा ये विविध कार्य एवं व्यापारिक बैंक द्वारा निम्नलिखित अन्य कार्य भी किए जाते हैं। तो पहला है संपत्ति की सुरक्षा, मतलब बैंक द्वारा आपकी संपत्ति की सुरक्षा। दूसरा यात्री चेक और साख पत्रों की सुविधा, मतलब जो यात्री चेक होते हैं वो भी बैंकों के माध्यम से, और जो साख पत्र की सुविधा है वो भी अपन को बैंकों के माध्यम से क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर विदेशी विनिमय की विषय, मतलब जो विदेशी विनिमय है उनकी क्या है व्यवस्था, कौन करता है, ये भी व्यापारिक बैंक करता है। और उपभोग साख प्रदान करना, मतलब जो वस्तु अपन जो भी चीजों का उपभोग करते हैं उसके लिए अपन को व्यापारिक बैंक है जो उससे अपन को क्या करता है, साख प्रदान करता है। फिर है पांचवा आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रशिक्षण, मतलब जो आंकड़े
विनिमय मतलब जो विदेशी विनिमय है उसकी क्या मतलब विदेशी विनिमय के अंतर्गत आता है बेटा, इसके अंतर्गत आपको बैंक द्वारा ग्राहकों के विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है और उसे प्रचलित विदेशी विनिमय के कानून का भी मतलब चल क्या होता है उसमें पालन करना आवश्यक होता है। फिर उपभोग साख प्रदान करना मतलब जो उपभोग साख होती है वो क्या होती है, विकसित देशों में जहाँ जनता का जनजीवन मतलब जो जीवन होता है वह ऊंचा और वस्तु बेचने में कड़ी प्रतियोगिता होती है, जैसे स्कूटर रेफ्रिजरेटर अनेक प्रकार की जो मशीनें होती हैं उससे अपन क्या करते हैं उन वस्तुओं को के लिए बैंक क्या कराता है अपन को ऋण उपलब्ध कराता है और जनता के जीवन स्तर में उन इससे क्या होती है उन्नति होती है और भारत में कुछ बैंक इसी सुविधाएं इसी प्रकार की सुविधाएं बैंक द्वारा प्राप्त है। फिर पांचवा है आंकड़ों का संग्रहण और प्रशिक्षण। प्रायः सभी जो सभी बैंक होते हैं बड़े बड़े बैंक बैंकिंग वित्तीय व्यापार संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उनको समय समय पर प्रकाशित मतलब समय समय पर प्रकाशित करते हैं कि उससे संबंधी व्यक्ति मतलब जो सुविधाएं होती हैं यथावत कैसी हो यथा सम्मान मिलती हैं और अनेक अच्छे बैंक द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसमें दिए गए लेखों में विविध आर्थिक और वित्तीय समस्याओं की जानकारी क्या होती है प्राप्त होती है। तो ये हो गए व्यापारी बैंक का चौथा कार्य था विविध कार्य करना है ना। फिर उसके बाद है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन मतलब व्यापारिक बैंक का ये भी एक मुख्य कार्य है आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंकों द्वारा व्यापारियों के विनिमय में विपत्र देशी विपत्र हुंडिया मतलब जो उसके विनिमय पत्र वो विपत्र होते हैं विपत्र हुंडिया होती हैं और जो क्या होते हैं व्यापारिक बैंकों के लिए होती हैं उनको मुनाकर की जाती है। यदि व्यापारी के पास कोई बिल है तो उसके भुगतान से उसके समय के बाद प्राप्त होता है और उसे उसे धन की तत्काल आवश्यकता है। इस बिल को अवधि पर ब्याज काटकर शेष रुपया मतलब तुरंत व्यापारी को देना होता है। उसके बाद है बेटा साख का निर्माण करना मतलब साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है मतलब जो साख का सर्जन करना अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी मतलब जो साख का निर्माण करने के लिए बैंक अपनी अंश पूंजी जमा पूंजी कुल राशि से ही अधिक ऋण देते हैं। इसलिए संभव होता है क्योंकि बैंक साख का निर्माण कार्य करती है। तो बैंक के दो तरीके से साख का निर्माण किया जाता है, तो पहला है कागजी मुद्रा के निर्गमन से और दूसरा प्रारंभिक जमा और उत्पन्न जमाओं से। तो ये दो तरीके से क्या होता है बैंकों का साख का निर्माण होता है। पहला है कागजी मुद्रा के निर्गमन से और दूसरा प्रारंभिक जमाओं के रूप। फिर है इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन बैंक का महत्व। तो बैंक का क्या महत्व होता है सबसे पहले अपन देखेंगे बैंक के महत्व के लिए। आपको बता दूं आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मतलब जो बैंक है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। आज बैंक समाज की संपूर्ण आर्थिक प्रगति और स्थायी मतलब जो आर्थिक प्रगति है उसका क्या है स्थायी आधार शिला है मतलब जो बैंक है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जो बैंक का महत्व मतलब बैंक के महत्व का आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक बहुत क्या है महत्वपूर्ण है और आज बैंक में समाज की कई संपूर्ण आर्थिक प्रगति का स्थायी आधार क्या है बैंक क्या है स्थायी आधार है बैंक। तो ये अपन अब पढ़ेंगे अभी आपने कार्य देखे अब अपन देखेंगे बैंक के महत्वपूर्ण मतलब बैंक का क्या महत्व है। तो अर्थव्यवस्था में भी बैंक का बहुत महत्व। आज अर्थव्यवस्था उद्योग जगत का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि बैंक की
बैंक की मतलब बैंक की सहायता के बिना क्या हो सके, बैंक की सहायता के बिना पूर्ण हो सके। बैंक व्यवसाय वाणिज्य क्या है, मतलब जो बैंक व्यवसाय है वो वाणिज्य का ध्वनि केंद्र कहा जाता है। इसी प्रकार विक्सल के अनुसार विक्सल ने एक परिभाषा दी है अपनी कि बैंक आधुनिक मुद्रा तथा जो बैंक है उसके अनुसार बैंक आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का हृदय तथा केंद्र बिंदु है। और बैंक का महत्व इसी प्रकार से बेटा बैंक के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से क्या किया गया है, समझाया गया है। तो पहला है बेटा बचत का उत्पादन कार्यों में प्रयोग, मतलब वित्तीय कार्यों के लिए विनियोग के साथ साथ मतलब जो मुद्रा के कार्य उसके में व्यापार वाणिज्य उद्योग सब में आपको क्या करना क्या की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो वो बचत जो अपन बचत करते हैं उससे उत्पादन कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में संतुलित आर्थिक विकास होता है। तो ये पहला इसका महत्व हो गया। दूसरा हो गया बेटा कि मुद्रा या पूंजी का हस्तांतरण, तो दूसरा महत्व है मुद्रा एवं पूंजी का हस्तांतरण। फिर है मुद्रा या पूंजी का हस्तांतरण, तो बैंक की सहायता से ही ग्राहकों को क्या होता है, पूंजी को सरलता पूर्वक सुरक्षा से और शीघ्रता से क्या हो जाती है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित भी किया जा सकता है। मतलब जो पूंजी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्रता से उसको आप क्या कर सकते हो, हस्तांतरित कर सकते हो। और अधिक मुद्रा कैसी होती है, यह सुविधाजनक और कैसी होती है, मितव्ययी होती है। और आर्थिक विकास के लिए मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। तीसरा है मुद्रा प्रणाली में लोच, मतलब जो मुद्रा की प्रणाली है वो कैसी है, लोचपूर्ण है। तो समय के साथ मुद्रा निर्गमन केंद्रीय कर निर्गमन कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। उसमें बैंक उद्योग को व्यापार के लिए तो मुद्रा प्रणाली की लोच, तो जो मुद्रा प्रणाली है वर्तमान में मुद्रा की प्रणाली, मुद्रा का निर्गमन कौन करता है बेटा, केंद्रीय बैंक करता है। उसमें बैंक में उसके व्यापार अधिक संपर्क में रहता है, इससे उद्योग और व्यापार की मौद्रिक इकाई का अच्छा ज्ञान होता है और आवश्यकता अनुसार मुद्रा की क्या होती है, पूर्ति में कमी या वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था में लोच उत्पन्न करता है। मतलब जो मुद्रा की पूर्ति में या कमी तो क्या करता है, मुद्रा की अर्थव्यवस्था में क्या उत्पन्न करता है, लोच उत्पन्न करता है और मौद्रिक प्रबंधन को क्या करता है, लोचदार बनाता है। फिर बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, मुद्रा का चौथा महत्व है बहुमूल्य वस्तुओं का, मतलब जो बहुमूल्य वस्तुएं उनकी सुरक्षा के लिए बैंक में मतलब जो बहुमूल्य वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान, आप मतलब आप देखो बहुमूल्य वस्तुओं के अंतर्गत आपका मान लीजिए कई लोग आजकल लॉकर खोल लेते हैं जिनके पास मतलब बहुमूल्य मतलब वस्तुएं होती हैं, उनके लिए बैंक आपको लॉकर भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, देता है ना। तो उससे एक उसको लॉकर से ही बहुमूल्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। फिर है बैंकिंग आदत को बढ़ावा, पांचवा है बैंकिंग मतलब बैंकिंग आदत को मतलब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बैंक में विस्तार से जनता को बैंक में संपर्क में मतलब जो बैंक के लोग हैं उनको जनता से संपर्क बढ़ाना होगा और उनको बैंक में पैसा जमा करने की अब आदत, बैंकिंग विकास के लिए धातु मुद्रा के मतलब जो धातु मुद्रा साख मुद्रा में प्रयोग में अधिक आती है, परिणाम स्वरूप वैधानिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद है बेटा तो ये है हुआ बैंकिंग आदत। फिर उसके बाद है भुगतान की सुविधा, मतलब जो चेक के कारण बैंक मतलब चेक द्वारा भुगतान सुविधा संभव हो, चेक द्वारा
फिर है भुगतान की सुविधा, अपने बैंकिंग के अर्थ को बढ़ावा देखा। फिर छठवा है भुगतान की सुविधा, जो बैंक के कारण चेक द्वारा भुगतान की सुविधा, चेक द्वारा मतलब जो भुगतान किए जाते हैं और उसमें उसके सुरक्षा होती है भुगतान से, यात्री चेक, साख पत्र और उसके बाद अपन को क्रय मतलब जो सुविधाएं होती हैं, जो अपन को यात्री चेक मिल जाते हैं, साख पत्र का प्रयोग अधिक होने लगा हो, परिणाम स्वरूप वैधानिक मतलब मुद्रा की कम आवश्यकता पड़ने लगी। फिर उसके बाद है मतलब जो भुगतान है चेक द्वारा, साख द्वारा और विनिमय पत्रों द्वारा होने लगा। फिर है सातवा, ग्राहकों की विधि सेवाएं, मतलब सातवा है जो ग्राहकों को मतलब ग्राहक जो होते हैं उनके भुगतान करना, भुगतान शेयर आदि का क्रय विक्रय करना, मतलब जो ग्राहक की सुविधाएं होती हैं काय के लिए क्रय विक्रय और मतलब जो सामान होते हैं मतलब ग्राहकों की विधि सेवाओं के लिए भी मुद्रा मतलब बैंक का महत्व है। उसके अंतर्गत जो है वह है वहाँ के क्रय विक्रय करना, प्रबंधन के रूप में कार्य करना आदि सेवाएं बैंक ग्राहकों को कम खर्च पे क्या कराती है, उसको उपलब्ध कराती है, जो विक्रय सेवाएं हैं, है ना। के लिए क्या होती है आवश्यक होती है और उसको जो उनको कैसे मात्रा में मिलता है, जो ग्राहकों के लिए सुविधाएं देती है, प्रबंधक के रूप में कार्य करना और विधि सेवा प्रदान करना बैंक अपने ग्राहकों को, ये सब सुविधाएं कैसे कराता है, कम खर्च पर मतलब उसको कम खर्चों पर उपलब्ध कराता है, कम खर्चों व्यापार और उद्योग में सहायता, मतलब जो मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है वो है जो आपका व्यापार एवं उद्योग में सहायता करना, क्योंकि बिना मुद्रा के व्यापार और उद्योग दोनों क्या है संभव नहीं है। आंकड़ों की सूचना को एकत्र करना और एक दूसरे से आर्थिक दशाओं संबंधी सूचना देकर अंशों व ऋण पत्रों का क्या करते हैं अधिवेशन करते हैं और उसमें बैंक व्यापारिक और उद्योगपतियों को बहुत सहायता करता है। फिर है आर्थिक स्थिरता संतुलन, मतलब जो बैंक होते हैं उनमें विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े आर्थिक विकास संतुलन के लिए होता है। इसमें प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और इसकी स्थिति ठीक नहीं होती, तो आर्थिक स्थिरता और संतुलन बनाना भी महत्वपूर्ण है। सरकार की सहायता, मतलब जो बैंक होते हैं सरकार की अनेक प्रकार से क्या करते हैं सहायता करते हैं, जैसे सरकारी ऋणों पर विक्रय करना, कर वसूली, तो सरकार के लिए कर वसूली और जो सरकारी अंश होते हैं मतलब उनको क्या करना उनका निर्गमन करना, तो ये आर्थिक सहायता कौन देता है सरकार की, सरकार के लिए सहायक होते हैं और विक्रय करना, भुगतान करना और संकट काल में सरकार के लिए चंदा भी इकट्ठा करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है, बैंक के लिए क्या है महत्वपूर्ण। फिर है वित्तीय साधनों का संरक्षण, मतलब जो वित्तीय संसाधन होते हैं उनका संरक्षण के लिए भी मतलब बैंक क्या होते हैं सहायक होते हैं, तो वित्तीय उद्योगों का रक्तदान है, मतलब जो वित्तीय साधन का संपत्ति उनका जो क्या है उसको क्या कहते हैं बेटा, वित्तीय साधन उद्योगों का रक्तदान है, मतलब जो वित्तीय साधन है उद्योगों के लिए क्या है रक्तदान है, मतलब बैंक की सहायता के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। आज बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा पे स्थायी व कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों की क्या होती है आवश्यकता होती है। व्यापार उद्योग व्यवसाय में बड़ी बड़ी पूंजी विनियोग किया, बड़ा बड़ी पूंजियों को क्या करना पड़ता है विनियोग करना पड़ता है और परिणाम स्वरूप उत्पादन में क्या होती है वृद्धि होती है।
संसाधनों के संरक्षण के लिए। फिर उसके बाद है रोजगार में वृद्धि, तब जो बैंकों का महत्व है रोजगार की वृद्धि के लिए भी, बैंकिंग विकास के लिए केवल क्षेत्रों के मतलब जो क्षेत्र हैं उनके लिए रोजगार के लिए क्या करता है अवसर होते हैं। इसमें पूंजी विनियोग और अर्थ प्रबंधन आदि जो होते हैं इसका उद्योग व सभी क्षेत्रों के विकास के लिए, मतलब इसके अंतर्गत आप पूंजी विनियोग कर सकते हो, अर्थ प्रबंधन कर सकते हो और उस पे जो उद्योगों क्षेत्रों के विकास के लिए क्या है रोजगार में, मतलब जो उद्योगों के विकास होंगे तो रोजगार में क्या होगी वृद्धि होगी। ये भी बैंक का एक महत्वपूर्ण मतलब महत्व, बैंक का ये भी एक महत्व है। फिर निसंदेह आर्थिक प्रगति के लिए वह बैंक रक्त वाहिनी, मतलब जो बैंक है आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, और कैसा हुआ शरीर में जैसे रक्त वाहिनियां नाड़ियों की भांति कार्य करती हैं और उसी प्रकार अपने देश में जो अर्थव्यवस्था को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के अधिकाधिक प्रयत्नशील रहते हैं, वह अधिक आधुनिक युग में एक एक जो होते हैं वो क्या होते हैं बैंक, जो अपन को क्या करते हैं उद्योगों का मतलब कल्पना कैसे, उसकी कल्पना कैसी है अव्यवहारिक है, मतलब शरीर में जैसे रक्त का संचार होता है ना ऐसे ही आर्थिक विकास को अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए है ना बैंकिंग सेवा भी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद बेटा अगर बैंक की कुछ कार्य हैं, कुछ महत्व हैं, उसके बाद बैंक में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, तो व्यापारिक बैंक में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो पहला दोष है भारतीय व्यापारिक बैंक में जनता की जमाओं का आकर्षित करने के लिए सफल नहीं रहे, मतलब जो व्यापारिक बैंक है वो जनता को पैसा जमा करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए भी आज भी सफल नहीं हुए। भारत में बैंकों का विस्तार कैसा है असंतुलित ढंग से हुआ, तो जो आज भी भारत में देखो तो उनका बैंकों का जो विस्तार है कैसा है असंतुलित ढंग से हुआ। फिर तीसरा है अन्य देशों की तुलना में भारत में कम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब तीसरा जो कारण है जो दोष है वह है अन्य देशों की तुलना में, मतलब दूसरे देश देखेंगे आप उनकी तुलना में बैंकिंग सुविधा कैसी है कम है। फिर चौथा है अधिकांश व्यापारिक बैंक में अपने ग्राहकों को कुशल एवं शीघ्र सेवाएं उपलब्ध कराने में भी क्या है ये असफल है, मतलब जो अधिकांश व्यापारिक बैंक है जो वो अपने ग्राहकों को कुशल एवं शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने में कैसे हैं असफल हैं, ये भी एक मुख्य दोष। फिर पांचवा है कुछ बैंक अपर्याप्त मात्रा में जमानत रखकर ऋण कर देते हैं, मतलब कुछ बैंक है जो अपर्याप्त मात्रा में, मतलब जो उनकी अपर्याप्त मात्रा में कुछ ऋण जो होते हैं वो कैसे होते हैं रखकर कोई चीज वस्तु को रखकर उनको ऋण प्रदान करते हैं, जिसके कारण ऋणों की अदायगी में क्या होती कठिनाई उत्पन्न होती, कठिनाइयां क्या होती हैं उत्पन्न होती जाती हैं। फिर छठवां है अधिकांश भारतीय जनता कैसी होती है अशिक्षित होने के कारण, मतलब आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग आज भी अशिक्षित हैं, अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित होने के कारण बैंकों का अधिक विश्वास नहीं करती और बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता, मतलब जो अधिकांश भारतीय जनता है वो कैसी है अशिक्षित है और उसको बैंक पर क्या है विश्वास नहीं है, इसलिए वह पर्याप्त विकास मतलब बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में सातवां है बेटा, सातवां है कि भारतीय व्यापारिक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उचित निर्देशन मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सका, मतलब जो भारतीय व्यापारिक बैंक है उसे रिजर्व बैंक का उचित निर्देशन या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, इससे वह मतलब उसकी प्रगति कैसी हो गई कम होती है, मतलब वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है, मतलब जैसा अपन चाहते हैं वैसी प्रगति उसकी नहीं हो पा रही। आठवां है व्यापारिक बैंकों के ऊपर नीचे तक का स्तर भ्रष्टाचार से व्याप्त है, ग्राहकों को भ्रष्टाचार के कारण क्या होती है अनेक कठिनाइयां होती हैं, किसी को लोन लेना है कुछ लेना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार क्या है ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह भ्रष्टाचार क्या है
व्याप्त होता है और नोवा हो गया बेटा, व्यापारिक बैंक अपनी जमा को बढ़ाने के लिए बैंक ब्याज दर बढ़ाकर आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, है? जिसका बैंकिंग विकास में प्रतिकूल क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे मतलब जो व्यापारिक बैंक है अपनी जमाओं को बढ़ाने के लिए ब्याज दर पर क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उसका उस पर बैंकिंग विकास पर या सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आज अपन ने बैंक के कार्य पढ़े, है ना, बैंक के कार्य पढ़े, उसके बाद अपन ने बैंक का महत्व पढ़े, तो बैंक के 12 महत्व हैं। उसके बाद पढ़ा बेटा अपन ने पढ़ा व्यापारिक बैंक के दोष, तो व्यापारिक बैंक के कितने दोष होते हैं, 9 दोष होते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बेटा व्यापारिक बैंक का महत्व समझाइए, है ना, इसके प्रश्न की परीक्षा की दृष्टि से आप व्यापारिक बैंक के महत्व को समझाइए, व्यापारिक बैंक की परिभाषा लिखते हुए व्यापारिक बैंक के कार्य लिखिए, या व्यापारिक बैंक के दोषों को समझाइए। तो ये 3 प्रश्न हैं बेटा जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। और एक ऐसा भी प्रश्न आता है कि मतलब शरीर में बैंक रक्त वाहिनियां नाड़ियों का भांति कार्य करती है, वैसे मतलब एक इस टाइप का भी प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि व्यापारिक बैंक मतलब जो है वो, उसको उदाहरण सहित समझाने से एक प्रश्न ये भी है कि, और उसके बाद बेटा व्यापारिक बैंक के महत्व को समझाइए, तो आपको परिभाषा और महत्व दोनों लिखिए, तो आपको 2 डेफिनेशन लिख के महत्व लिखना होगा। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा।